दोस्तों, एमजी हेक्टर प्लस के लॉन्च को सिर्फ और सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। आपको मैं एक पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि 13 जुलाई को उसे इंडियन मार्केट में पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया जाएगा और वो सड़कों पर दौड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो अब हमारे पास केवल और केवल 3 दिन बचे हैं और इससे पहले हमारे पास इसके वेरियंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और उन वेरियंट्स के फीचर्स के बारे में हमारे पास पूरी ही डिटेल्स आ चुकी है, जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटोवेज पे। मेरा नाम है हर्षित और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेक्टर प्लस के बारे में और मैं आपको बताने वाला हूँ उसके सारे ही वेरिएंट्स और उसके जो भी आपको उसमें फीचर्स मिलने वाले हैं वो सारे ही फीचर्स आपको बताऊंगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को साफ तौर पर बिल्कुल ही क्लियर बता दूं कि मैं किसी भी चाइनीज प्रोडक्ट को ना ही सपोर्ट करता हूं, ना ही प्रमोट करता हूं और ना ही यूज़ करने की सलाह देता हूं। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप लोग जो है इससे थोड़ा सा डिटेल्स जो हैं उसके बारे में जान लीजिए और क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं और जो लोग इसको लेने के लिए सोच रहे हैं उनको पता चल जाए एटलीस्ट कि उनको ये क्या क्या मिलने वाला है इस एमजी हेक्टर प्लस में। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मकसद है। और इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले है, उसके बाद कोई भी दूसरी चीज़ आती है। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ही एकदम आपको क्लियर बता दूं कि 13 जुलाई को जो ये एमजी हेक्टर प्लस है ये इंडिया में लॉन्च होने वाली है और इंडिया की सड़कों पे ये एकदम तैयार है लॉन्च होने के लिए। इसके अलावा अगर आपको इसके वेरिएंट्स के बारे में बताऊं तो इसके 3 वेरिएंट्स हैं कुल मिला के। एक होगा सुपर शार्प और तीसरा जो टॉप स्पेक वेरियंट होगा वो होगा स्मार्ट। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता था। और इसके अलावा इसके कलर्स के बारे में अगर बताऊं तो 6 कलर्स में अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर सबसे पहले इसके वीडियो के स्टार्टिंग में इसके इंजन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ तो इसमें आपको मिलने वाले हैं 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि ऑलमोस्ट 143 bhp की पावर प्रोड्यूस करने में कैपेबल होगा। दूसरा होगा 1.5 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड इंजन जो कि ऑलमोस्ट 143 bhp की पावर प्रोड्यूस करने में कैपेबल होगा। और तीसरा होने वाला है 2.0 लीटर का डीजल इंजन और ये जो इंजन है ये ऑलमोस्ट 170 bhp की पावर जो है वो प्रोड्यूस कर पाएगा। अब देखिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर इसके तीनों ही वेरिएंट्स के बारे में आपको दे दूं तो यहाँ पे साफ तौर पर आपको बता दूं जो इसका एंट्री लेवल सुपर वेरिएंट होने वाला है उसमें केवल और केवल 2.0 लीटर्स का डीजल इंजन ही जो है वो अवेलेबल कराया जाएगा। इसके अलावा जो इसका मिड स्पेक वेरियंट है स्मार्ट, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे 2 इंजन ऑप्शन। एक होगा 1.5 लीटर्स का टर्बो पेट्रोल इंजन और दूसरा होगा 2.0 लीटर्स का डीजल इंजन। तो ये दो ऑप्शन आपको इसके मिड वेरियंट में देखने को मिल जाएंगे। और अगर बात करें इसके टॉप स्पेक वेरियंट की शार्प की तो उसमें आपको सारे ही इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, सब कुछ फीचर्स वाइज देखने को मिल जाएगा। तो वो पूरी तरीके से जो है फीचर लोडेड होने वाला है। अब देखिए, इसके अलावा अगर इसके ट्रांसमिशन के बारे में भी आपको कुछ बता दूं तो इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलेगा और अगर ऑटोमेटिक की बात करें तो वो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा DCT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो कि केवल और केवल एक्सक्लूसिव है पेट्रोल वेरिएंट के लिए। तो देखिए दोस्तों, अब तक हमने बात कर ली एमजी हेक्टर प्लस के सारे ही स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसमें आपको इंजन क्या मिलेगा, ट्रांसमिशन क्या मिलेगा उसके बारे में। अब अगर इसके वेरिएंट वाइज फीचर्स आपको बताऊं तो सबसे पहले जो इसका बेस वेरिएंट है सुपर, उसके बारे में अगर फीचर्स बताऊं तो सबसे पहले आपको इसमें क्रोम ग्रिल मिलेगी, LED हेडलैम्प्स होंगे, हेलोजन फॉग लैम्प्स, शार्क फिन एंटीना, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, 17-inch सिल्वर अलॉय व्हील्स, LED टेल लैम्प्स, 10.4 inches का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो एंड ऑफलाइन मैप्स, AC वेंट्स फॉर द सेकेंड रो और तीसरी रो के लिए भी जो है आपको AC वेंट्स सेपरेट मिल जाएंगे देखने को। इसके अलावा टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग एंड माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, लेदर रैप्ड आर्म रेस्ट मिल जाएगी, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट होगी, 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स होंगे, USB चार्जिंग तीनों ही सीट्स के लिए होंगी, तीनों ही रोज के लिए होंगी। इसके अलावा अगर बात करें सेकेंड रो में आपको कैप्टन सीट्स देखने को मिल जाएंगी जिसमें आपको स्लाइड और रेक्लाइन फंक्शन देखने को मिलेगा, इंडिविजुअल आर्म रेस्ट होंगे, डुअल एयरबैग्स होंगे, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग सेंसर कैमरा, इसके अलावा स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक। तो ये सारे फीचर्स जो हैं आपको इसके बेस वेरिएंट यानी कि सुपर में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब तक हमने बात कर ली इसके जो बेसिक वेरिएंट्स में आपको फीचर मिलने वाले हैं वो सारे ही डिस्कस कर लिए। अब अगर इसके सेकंड वेरिएंट की बात करें जो कि इसका मिडिल वेरिएंट है जो कि स्मार्ट है, उसके बारे में अगर कुछ आपको बताऊं तो ऊपर वाले तो सारे ही फीचर्स आपको देखने को मिल ही जाएंगे। इसके अलावा जो एडिशनल फीचर्स मिलेंगे वो मैं अगर आपके साथ डिस्कस कर लूँ साफ तौर पर तो उसमें आपको मिलने वाले हैं LED फॉग लैम्प्स, फ्लोटिंग लाइट टर्न इंडिकेटर्स, 17-inch के डुअल टोन अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग ORVMs, पुश स्टार्ट स्टॉप, स्मोक सीपिया, ब्राउन लेदर सीट्स, आई स्मार्ट इंटरनेट कार्ड
टेक्नोलॉजी, 4-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, इन्फिनिटी म्यूजिक सिस्टम विद 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्वीटर्स, सबवूफर एंड एम्पलीफायर, टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग, साइड एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक सिस्टम, जो कि केवल और केवल आपको DCT वेरियंट में ही देखने को मिलेंगे। तो ये सारे कुछ आपको एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं इसके मिडिल वेरियंट में, जो कि स्मार्ट है। तो देखिए दोस्तों, अब तक हमने इसके 2 वेरिएंट्स के बारे में सारे ही फीचर्स जान लिए, जो कि सुपर और स्मार्ट हैं, जो कि इसका बेसिक और मिडिल वाला वेरिएंट है। इसके अलावा अगर इसके टॉप स्पेक वेरिएंट के बारे में बात करें, जो कि है शार्प, तो इसमें भी आपको कुछ एडिशनल फीचर्स देखने को मिल जाएंगे साफ तौर पर, जो कि होने वाले हैं हीटेड ORVMs, पावर टेल गेट विद स्मार्ट स्वाइप फंक्शन, पेनोरमिक सनरूफ, रिमोट सनरूफ, ओपन क्लोज बाई आई स्मार्ट ऐप, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, 7-इंच कलर MID, रेन सेंसिंग वाइपर्स, 8 कलर एम्बियंट लाइटिंग सिस्टम, 4-वे पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, कर्टन एयरबैग्स। तो ये सारे कुछ ऐसे एडिशनल फीचर्स हैं जो कि आपको इसके टॉप वेरिएंट में मिल जाएंगे देखने को। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किए सारे ही फीचर्स, जो कि वेरिएंट वाइज आपके साथ सारे फीचर्स डिस्कस कर लिए, जो कि आपको MG Hector Plus में मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और एक रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे और फिर से मैं करना चाहूँगा कि जाहिर तौर पर ये जो MG Hector Plus है, ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है, लेकिन मैं आपको साफ तौर पर बता दूँ कि मैं किसी भी चाइनीज़ प्रोडक्ट को ना ही सपोर्ट करता हूँ, ना ही प्रमोट करता हूँ, और ना ही यूज़ करने की सलाह दूंगा। तो आप लोग को अगर ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है मेरे लिए इस गाड़ी से रिलेटेड, तो वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।